चाय के बिना तो हम इंडियंस की मॉर्निंग ही गुड नहीं होती। इसे बनाने के लिए वैसे तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सबके अलग अलग मेथड होती है, सबके घर में अलग अलग तरीके से चाय बनती है। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ पे सबसे पहले हम चाय का मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है छोटा सा अदरक का टुकड़ा और एक इलायची, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरे खुद के लिए बस एक कप बनाने वाली हूँ, तो इतना मसाला इनफ है। तो इसे ज़्यादा भी हमें बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है। अब यहाँ पे मैंने डाला है आधा कप पानी, इसे अच्छे से एक बॉईल आने देंगे। उसके बाद जो हमने मसाला बना के रखा है वो डाल देंगे। सर्दी के मौसम में आप इस चाय मसालों में सिनेमन और क्लोव्स भी डाल सकते हो, उससे चाय और ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाती है। तो यहाँ पे अच्छा सा बॉईल आ चुका है पानी में। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें हमारा जो पाउडर रहता है चाय पत्ती वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो चाय पत्ती इस्तेमाल करती हूँ वो वाघ बकरी की प्रीमियम लीफ वाली है। आप चाहे तो डस्ट वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जो भी ब्रांड का आपको मतलब पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हो। जो डस्ट वाली रहती है उससे चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब हमारा पानी है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। जब हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे तो तुरंत ही ये इसका कलर छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्लिप में देख सकते हो, इसे फिर से हम एक बॉईल आने देंगे ताकि मसाला और चाय पत्ती आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और उसके बाद में हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी डाला था, तो मैं हाफ कप मिल्क डालूँगी। अगर आपका मिल्क फुल फैट मिल्क है तो आप दोनों का रेशो 1:1 रख सकते हो, या फिर मतलब आपका दूध थोड़ा सा पतला होता है तो पानी की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम करनी है। तो फिर इसे एक बार अच्छे से बॉईल आने देंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, तो शुगर आप अपने हिसाब से कितना मीठा लगता है उतनी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मिल्क आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही रहना है। अगर आप उसे फ्रिज में ही स्टोर करते हैं, लेकिन चाय बनाने से आधा एक घंटा पहले हमें दूध को बाहर निकाल के रखना है। तो यहाँ पे हम इसे फिर से एक दो बॉईल आने तक इसे मतलब गैस पे ही रखेंगे, और इसे बीच बीच में हम करछी से चलाते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, इसके ऊपर मलाई की एक लेयर बन जाती है, तो वो हमें नहीं बनने देनी है। तो इसे बीच बीच में करछी से चलाते रहना है। हमारी चाय बनकर रेडी है। अब हम इसे छन्नी से छान के लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये आप नॉर्मली डेली बना रहे हो ऐसे ही बनाओ, लेकिन जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आप क्या कर सकते हो, मतलब चाय जब आप कप में डालोगे ना, तो उसके बाद उसके ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हो, उससे चाय और ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की एकदम कड़क वाली चाय रेडी है, और इस चाय के साथ आप बिस्किट और रस कुछ भी एंजॉय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आपको ये चाय का वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो उसे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।